लास्ट वाला एपिसोड फ्लॉप नहीं हुआ था एंड यू गाइस रियली लाइक्ड इट सो दैट एनकरेज मी टू मेक अनदर एपिसोड. आज सुबह मैं सूरजकुंड मेला गई अपनी मॉम के साथ रैंडम. एंड जब वहां गई आई सॉ सम रियली ब्यूटीफुल फैब्रिक, सूट का फैब्रिक, साड़ी एंड जस्ट सम रनिंग फैब्रिक आल्सो. आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग रेडीमेड यू चूज अ फैब्रिक, यू मेक अ डिजाइन ऑन योर ओन और यू अपसाइकल समथिंग दैट्स लाइंग एट होम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक समथिंग न्यू टू वेयर. समथिंग दैट आई वाज रियली एक्साइटेड टू डू फॉर दिस सीरीज वाज टेक एन इंडियन प्रिंट वाला कपड़ा जैसे ब्लॉक प्रिंट या कलमकारी. Decided to turn into something Indo-Western. Cut to Surajkund Mela footage. मम्मी के साथ आई हूँ. सॉरी यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज है. सूरजकुंड मेला हैपेंस वंस एवरी ईयर एंड इट्स अ रियली रियली नाइस प्लेस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड फैब्रिक. सॉरी आई एम स्क्रीमिंग. मटेरियल कौन सा है? मटेरियल इज कॉल्ड जामावार. दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. बन के पता है अच्छा लगेगा. शॉर्ट्स और ब्लेजर दोनों सेम मटेरियल का होगा. आई मेट सम सब्सक्राइबर्स. कॉटन फैब्रिक. तो मैं जब इनिशियली सोच रही थी, मैं सोच रही थी दैट आई वांट टू मेक अ कोऑर्ड सेट लाइक अ ब्लेजर एंड शॉर्ट्स या टेडएक्स या फिर कोई भी स्पीच तो मैंने दिया है. मेरा आइडिया ऑफ फॉर्मल इज अ ब्लेजर विद शॉर्ट्स मैचिंग. आई वाज लुकिंग फॉर फैब्रिक दैट कुड वर्क वेल विद दैट बट ऐसा मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं. सो आई हैड अनदर आइडिया, मे बी आई कैन डू पलाजो पैंट्स विद अ क्रॉप टॉप और अ क्रॉप टॉप एंड अ स्कर्ट. सो आई गॉट दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग. इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ वाइट. आई गॉट अ वाइट फैब्रिक ऑल्सो. पैटर्न ऑन दिस इज मैचिंग द पैटर्न ऑन दिस. आई पुल्ड आउट सम रेफरेंसेस फ्रॉम पिंटरेस्ट. नीड टू फाइंड अ टेलर हु विल बी एबल टू डू समथिंग लाइक दिस. ऐसे वेस्टर्न कपड़े कोई बनाता नहीं है. मैं वही बुटीक पे जाऊंगी जिनने मेरा लास्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का आउटफिट बनाया था. आई वांटेड टू मेक अ टॉप लाइक दिस बट आई फील लाइक इसमें फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. दैट्स व्हाई आई चेंज्ड माय माइंड टू मेक दिस. बट इसका कपड़ा आई डोंट नो अगर पूरा पड़ेगा. एक ही मीटर है. कितना लगेगा फैब्रिक? यहाँ पे ज्वाइंट दे सकते हैं. स्टाइल ही आपको चाहिए तो मैंने लाइक एन इंडियट जो व्हाइट कपड़ा था उसका सिर्फ 1 मीटर खरीदा एंड मास्टर जी वाज टेलिंग मी दैट 1 मीटर बिल्कुल इनफ नहीं है टू मेक दैट टाई अप टॉप. तो मैं बीच में दूसरे ऑप्शन भी कंसिडर कर रही थी बट देन इन द एंड आई कन्विंस्ड हिम टू ट्राई मेकिंग इट एंड मेक द टाई अप पार्ट अ लिटिल शॉर्टर. एंड फॉर द लोअर्स वी डिसाइडेड टू गो विद क्यूलॉट्स एंड विद अ रियली वाइड वेस्ट पैंट सो दैट दे लुक लाइक स्मार्ट पैंट्स. So I'm here to pick up the outfit. Okay, I'm gonna go try this on. It looks good. How's the fit? I don't think any alteration is also needed. I really, really like it. Originally जो साइज था उसमें टाई अप सामने था बट आई थिंक दिस इज टाई अप एट द बैक व्हिच आई थिंक इज मोर कंफर्टेबल आल्सो बिकॉज हाफ ऑफ माय बूट्स आर पॉपिंग आउट. सो टू स्टाइल दिस आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड. दिस होल लाइक काइंड ऑफ समरी लुक सो दिस बैग आई थिंक विल गो परफेक्टली विद इट. एंड फॉर शूज दीज प्रिंटेड फ्लैट्स. नाउ दे आल्सो हैव एन इंडियन प्रिंट बट देयर हैव वेस्टर्न इश स्टाइल. दीज थ्री प्रिंट्स जस्ट लुक रियली रियली कूल टुगेदर. The vibe that I wanted exactly, and also in terms of cost, 1500 for the stitching, 1850 for the materials. So total, little bit expensive than usual, but I think if you make it on your own, the whole experience was really good. I also didn't want to bargain with the kapra wala because those guys are also trying really hard to make a living. But I just wanted to keep the spirit of outfit from scratch alive. So if you guys enjoy, make sure you hit subscribe and like, and leave a comment below about what you think I should try and create next time. And I'll see you soon.